हाय गाइस वेलकम टू दी क्लास एंड यस आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा बॉटनी साइड आ गए हैं हम लोग ठीक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना और आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली स्टेम आज के सेशन में रूट और स्टेम के बारे में बात करेंगे ठीक है बच्चे क्लास इलेवेंथ का पूरा का पूरा कोर्स कराने वाले हैं यहाँ पे है ना, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम करवा दिया है अगला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ठीक है थोड़ा बॉटनी कर लेंगे और इसके बाद मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे चले जाऊंगा आई नो ये थोड़ा बोरिंग लगता है बट ट्रस्ट मी गाइज ये इंपॉर्टेंट है ठीक है मेरे साथ कर लो मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बेसिक्स कर लो ठीक है एक बार बेसिक्स कर लो विल बी गुड ठीक है यस राधे राधे वेरी गुड आई एम डूइंग ग्रेट बेटा ठीक है आप लोगों के स्कूल में भी शुरू हो गए होंगे चैप्टर ठीक है और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बाद कौन सा चैप्टर कराऊं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में ठीक है इस इस क्लास के बाद कौन सा चैप्टर कराना मेरे को बता देना तो मैं वो भी बना दूंगा ठीक है यस राम राम बेटा चंचल बेटा अंजना हाय प्रिया <laughs> प्रीरंजन प्री, प्री रंजन वेरी गुड चंट करें हरे कृष्णा और राधे राधे अच्छा चैंट करें हरे कृष्णा और राधे राधे वाह यस <laughs> वेरी गुड बेटा रिया आयुष परफेक्ट ठीक है तो लेट इस गेट टू दीडियो है ना बेटा एंड एज यू ऑल नो मेरा नाम है अमृत बायोलॉजी लाइक द वीडियो ओके अगर अच्छा लगे शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू दैनल इफ यू लाइक इट कुल परफेक्ट नाउ पहली बात आती है कि भाई मॉर्फोलॉजी होता क्या है ना पहले बात सर मॉर्फोलॉजी होता क्या है जो पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट दिखता कैसे ठीक है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि भाई प्लांट दिखता कैसे है फॉर्म साइज पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब प्लांट में फॉर्म क्या है साइज मतलब कि, कि, किस किस जगह पे कौन सी चीजें हैं मतलब जैसे कि फ्लावर हो गया फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है लीव्स हो गई लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है ठीक है ये सब चीजें हम पढ़ते हैं यहां पे अडेप्टेशन टू देयर एनवायरमेंट कोई प्लांट है जैसे कि कैक्टस हो गया है ना वो चपटा होता है उसकी लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न है ना तो ये सब बेसिक चीजें कि भाई वो दिखते कैसे हैं और उससे रिलेटेड चीजों को हम यहां पे पढ़ेंगे आज ठीक है मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब ये होता है कि फिजिकल अपीयरेंस मान लो ठीक है चलो फिजिकल अपीयरेंस मैंने क्या बताया आपको यस बेटा मंजू फिजिकल अपीयरेंस में लीफ कैसे हैं उसके लीव्स कैसे दिखते हैं ठीक है ठेके? उसके फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या है है ना ये सब चीजें हम देखेंगे एनाटॉमी में क्या करते हैं एनाटॉमी में प्लांट के अंदर की चीजों को देखते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं तो बेटा इसमें हम देखेंगे पहले बेसिकली रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट और सीड इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है कि भाई रूट की क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है सीड के अरेंजमेंट कैसा हो सकता है ठीक है बेटा स्टेम की क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है लीफ की फ्लावर की फ्रूट की ये सब चीजें हम देखेंगे इस क्लास इस पूरे चैप्टर में ओके अब देखो पहले देखते हैं बेटा रूट ना इन मेजोरिटी ऑफ डाइको प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोस इन साइड इट बेर्स लेटरल रूट एंड सेवरल ऑर्डर टू सेकेंडरी एंड टेरिसरी कहना क्या चाहता है भाई ये ध्यान से देखो बेटा आपने डाइकॉट प्लांट देखा होगा दो कोटेलिडन मतलब एक मटर ले लो मटर मटर में दो ऐसे से बम होते हैं बेटा उसमें ध्यान से देखोगे बेटा एक ये बीच में ऐसा होता है ठीक है इसके बेटा ऊपर वाले पार्ट को हम प्लूम्यूल कहते हैं जिसमें से हमारा शूट निकल के आता है शूट मतलब स्टेम और जो वो वाला पार्ट प्लांट का जो कि धरती के ऊपर होता है उसको कहते हैं प्लूम्यूल जो धरती के नीचे होता है वो रेडिकल से निकलता है दैट इज रूट रूट जो है वो रेडिकल से बनता है और जो शूट है वो प्लूम्यूल से बनता है ठीक है तो हमने क्या देखा भाई जो रूट है वो रेडिकल से बनता है अब ध्यान से देखो बेटा ये रूट है ये रूट बना इस रूट में से बेटा ये मान लो ये प्राइमरी रूट है है ना इसमें से थोड़े और रूट निकलेंगे है ना बेटा ये हो गया सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट में से और रूट है निकला ये हो गया टेरिशरी रूट समझो बच्चे क्या हुआ भाई ये प्राइमरी रूट था हमारा ये सेकेंडरी हुआ फिर ये टेरशरी हुआ यस प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट एंड टेरशरी रूट यस मेकिंग सेंस हे परफेक्ट चलो अब आगे आ जाओ द रूट फंक्शन बेटा? काम क्या होता है भाई? पहले पानी को और मिनरल कोके हाँ हाँ. रखना प्लांट को कि भाई प्लांट टूटना जाए हवा चली प्लांट टूट गया हमारा गड़बड़ यह हेल्प करता है स्टोरिंग रिजर्व फूड मेटीरियल जो प्लांट है बेटा वो फूड मेटीरियल को स्टोर करने में भी हेल्प करता है ठीक है भाई और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना बेटा रूट में हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं है ना हो 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 गया हो गया हो गया ठीक है मेनली ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यस yes, ये बेसिक है बेटा है ना चलो आगे चलते थोड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं. अब देखो बेटा ये है इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है रूट बेटा देखो दो तरह के होते हैं एक होता है टैप रूट टैप रूट में ध्यान से देखो एक बड़ा सा मेन रूट होता है टैप रूट में क्या हो एक बड़ा सा मेन रूट है इसमें से छोटे छोटे सेकेंडरी रूट निकल रहे हैं. समझ रहे हो? एक मेन रूट है उसके साइड से निकल रहे टैप की तरह अब दूसरा होता है बेटा फाइबरस रूट अब ये क्या बात हुई फाइबरस रूट अगर आप देखोगे बेटा तो बहुत सारे देख रहे फाइबर की तरह ऐसे ऐसे इस तरीके से दिस इज़ फाइब्रस रूट रूट ठीक है है बच्चे देखो इसमें कोई मेन नहीं टैप रूट में एक सेंटर वाला जो मेन रूट है उसके आसपास रूट्स निकल रहे हैं मेन रूट और फिर ये लेटरल रूट्स है फाइब्रस रूट में ऐसे ऐसे ठीक है चलो सर और बताओ अब देखो बेटा फाइब्रस रूट ना जनरली मोनोकॉट में होते हैं ये डाइकॉट में होते देखेंगे इसके बारे में अब एक और चीज अब तीसरा भाई एडवेंटेशियस रूट अब ये क्या है किसी को पता है एडवेंटेश रूट क्या है यस yes. बताओ बच्चों एडवेंटेशियस रूट क्या होता है ये वो वाला रूट है जो रेडिकल से नहीं निकला बट

फाउंड फाउंडेन डाइकॉट ये इंपॉर्टेंट है ये आएगा एग्जाम में नीट में भी आ सकता है कि भाई टैप रूट सिस्टम किस में होता है Dicots में होता है टैप रूट सिस्टम किस में होता है प्लांट्स में होता है ठीक है भाई अब फाइब्रस इन मोनोकॉट्स मोनोकॉट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट इज रिप्लेस बाय फाइब्रस रूट दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम देख लो बेस ऑफ द स्टेम पे बहुत सारे हैं. ये कौन सा रूट है हमारा फाइबरस रूट है फाइबर वाला रूट है इंटरेस्टिंग ठीक है आगे चलते हैं ना एडवेंटीशियस रूट रूट्स दैट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड एस एडवेंटिशियस थे ना वो वाले रूट्स जो रेडिकल के अलावा और जगह से निकल के आते हैं उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट ठीक है भाई एग्जाम्पल क्या हो गया भाई ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री ग्रास मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट यस परफेक्ट आगे चलते हैं ना अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट यह स्कूल एग्जाम में आएगा रीजन ऑफ द रूट स्कूल में इजी चीजें पूछते हैं ठीक है ध्यान दे से देखो सबसे बेटा नीचे देखोगे ना रूट के रूट टिप पर अगर आपको देखेगा रूट कैप होता है ये रूट कैप क्या कर रहा है ये आपके मेरिस्टमेटिक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है बच्चे तो कहते हैं कि सर meristematic मतलब ये होता है बेटा rapidly dividing It is rapidly dividing आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा है ना मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है प्लांट में जो डिवाइड करता है एक होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू एक होता है परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करता मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, है ना और ये जो रूट पे होता है वो रूट मेरिस्टम कहते हैं थे तो है तो है है बच्चे ठीक तो तो इसको के लिए ये हमारा उसके बाद देखो कि बेटा मतलब जो हुए हैं वो अब होते हैं वो लंबे लंबे हो जाते हैं उसके ऊपर देखो मैच्योरेशन रीजन मतलब अभी अभी हो गए और यहां पे सेकेंडरी रूट्स निकलना शुरू हो गई है ये मैच्योरेशन रीजन है समझे यस गुड और नॉट परफेक्ट ठीक है बच्चे मेचुरेशन रीजन एलोंगेशन रीजन एंड मेरिस्टमैटिक रीजन हो चुके हैं बढ़िया सर ठीक है समझ आ गया देखो रूट कैप प्रोटेक्ट्स द एपेक्स रूट कैप क्या करता है भाई प्रोटेक्ट करता है दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल डिवाइड्स कंटीन्यूअसली रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू ये क्या करता है कंटीन्यूअसली डिवाइड करता है तीसरा है भाई रीजन ऑफ इलोंगेशन

यस yes. सेल बनाया उसको लंबा यू नो खट्टा खट्टा बनाया फिर उससे काम करा अभी काम कराने वाला फीस आ गया समझ लो अभी तुम पैदा हुए तुम फिर अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो फिर तुमसे हम काम कराएंगे यस <laughs> yes, अर्पिता बेटा अर्पिता को समझ आ गई बात यस फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन डेलीकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस रूट हेयर एलॉन्ग मेच्यूरेशन रीजन में कहते हैं बच्चे यहां पे रूट हेयर फॉर्म होती है यस yes, यहां पे क्या होती है रूट हेयर फॉर्म होती है मेच्यूरेशन रीजन में ये रूट हेयर क्या करती है भाई ये हेल्प करती है इन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द दॉइल रूट हेयर क्या करती है हमें हेल्प करती है वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करने में सॉइल में से यस वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू बेटा शिवांश समझ पो तो, बहुत ही ईजी है अब भाई जो हमारा रूट है ठीक है ये मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को द रूट मॉडिफाइज इट सर्फ ओके फॉर सपोर्ट फॉर स्टोरेज एंड फॉर रेस्पिरेशन फॉर सपोर्ट फॉर स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन रेस्पिशन रूट अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है समझो देखो रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन अब्जॉर्बशन एंड कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स ठीक है रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर वो अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करते हैं एंड एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म अदर देन कंडक्शन ऑफ मिनरल्स ठीक है भाई चलो थोड़ा आगे चलते हैं इधर तो सबसे पहले बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आप देखोगे कोनिकल रूट एग्जाम्पल कैरेट स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है ना कैरेट क्या है मॉडिफाइड रूट है फिर हमारा रेडिश मूली ठीक है बेटा ये भी स्टोरेज ऑफ फूड किलर है फूसी फॉर्म रूट है फूसी फॉर्म मतलब होता है बेटा नैरोइंग देख रहे हो ये मूली जो है हमारी ऐसे नैरो हो जाती है एंड में आके ऐसे नैरो हो जाती है तो इसको कहते हैं फॉर्म ठीक है रेडिश देन नेपी फूर्म। नेपी फॉर्म मतलब जो बीट रूट होता है इसको कहते हैं बेटा नेपी फॉर्म ठीक है ऐसे ऐसे बड़ा सा ऐसे और नीचे से पूंछ सी निकलती है ठीक है इसको नेपी फॉर्म कहते हैं बच्चे ये रूट है प्लीज अंडरस्टैंड ये देखो रूट है ये अनियन नहीं है अनियन इज अ मॉडिफाइड लीफ की तरह दिखता है सॉरी अनियन मॉडिफाइड आई गेस या ठीक है बच्चे तो ये क्या है हमारा बीट रूट है ठीक है परफेक्ट आ आ जाओ ना यार अनियन रूट है कि स्टेम है बताना बच्चों यस अनियन सॉरी अनियन इज अ मॉडिफाइड लीफ सॉरी स्टेम ही है मेरे को लग ही रहा था ये बेटा अनियन इज अ मॉडिफाइड स्टेम नॉट लीफ है ना उसको बल्ब कहते हैं ठीक है ठीके? चलो आगे देखते हैं ठीक है चलो वाओ बच्चों आसी यानीस अ स्टेम है एग्जैक्टली बेटा स्टेम ही है माय बैड माय बैड माय ब्रदर दिलीप इट्स नॉट अ दिस इट्स इट्स अ स्टेम अनियन इज अ स्टेम राइट सॉरी आगे चलते हैं आ जाओ होता है बेटा देखो कुछ लीव कुछ रूट क्या करते हैं जमीन से बाहर आ जाते हैं ठीक है आपने सुना होगा न्यूमैटो फोर्स के बारे में ये बहुत पानी पानी हो गई ठीक है वो वाला एरिया जो पानी पानी हो गई वहां पे क्या करते हैं जो रूट होते हैं ना वो जमीन से ऊपर आ जाते हैं डैम्प एरिया हो गया जहां बहुत कीचड़ कीचड़ है तो वहां पे रूट बाहर आ जाते हैं ठीक है बच्चे फॉर एग्जाम्पल राइजोफोरा रूट जो है बाहर आ जाते हैं इनको कहते हैं हम न्यूमेटोफोर ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट की समझ देखो प्लांट के रूट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन बिटवीन द मड मतलब जो मिट्टी के बीच में जो ऑक्सीजन होता है ना उसको यूज कर लेते हैं जनरली प्लांट के रूट बट अब मान लो पानी पानी हो गया तो वो प्लांट के नीचे भी वहां पर पानी नहीं है मिट्टी में भी सॉरी ऑक्सीजन नहीं है मिट्टी में भी तो वो क्या करेंगे रूट ऊपर आ जाते हैं ताकि सर्वाइव कर पाए ठीक है बेटा न्यूमेटो फोर हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन दे हैव लेंटी सेल्स क्या होते हैं बेटा जो हार्ड पार्ट ऑफ लीस छोटे छोटे पोर्स होते हैं देखो जैसे कि प्लांट है हमने एक प्लांट देखा होगा है ना अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है नहीं तो प्लांट में गैस ऊपर नीचे कैसे जाती है हमने तो बस लीव्स के बारे में पढ़ा है कि लीव्स में स्टोमेटा होता है तो उससे ऑक्सीजन चला जाता है तो बट बाई स्टेम का क्या हुआ और रूट का क्या होगा तो समझो जो लीफ होते हैं, लीफ में, होते हैं है ना तो होते तो एक्सचेंज हो गया या फिर कार्बन एक्सचेंज हो गया बट जो स्टेम है स्टेम में बेटा पोर्स होते, तो होते हैं हैं कहते हम आर द पोर्स ऑन द स्टेम व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिमिलरली रूट में रूट हेयर होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है अब न्यूमैटो में क्या हुआ इसमें भाई ऊपर आ गया है रूट इसमें रूट जो है वो ऊपर आ गया है एंड इट इज हेल्पिंग इन और उस रूट में क्या है भाई रूट थोड़ा हार्ड है उसमें लेंटी सेल्स हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं मजा आया समझदार यस yes, न्यूमैटो क्या है ये वो वाले रूट हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं इनमें क्या होता है इनमें लेंटी सेल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं यस yes, अर्पिता आशय को समझ आ गया वेरी गुड आगे आ जाओ फिर अब एक होता है बेटा प्रॉप रूट इन बानियन ट्री बानियन ट्री है ना आपने देखा होगा ये ट्री तो सब सबने देखा होता है है ना अब ये क्या करते हैं ये बेटा इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं ओके यस दे आर फॉर सपोर्ट सेम स्टिल रूट इन शुगर केन एंड मेज आपने शुगर केन देखा होगा गन्ना गन्ने के साइड में ऐसे छोटे छोटे निकलते होते हैं देखे गन्ने के साइड में से छोटे छोटे निकल रहे होते हैं तो इसको स्टिल ट्रूट कहते हैं स्टिल ट्रूट ठीक है ये भी सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्रॉप रूट है, मोटे मोटे तो इसको प्रॉप रूट कहते हैं यस परफेक्ट परफेक्ट चलो भाई आगे आ जाओ अब मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट देखोगे यहां पे आप ठीक है एडवेंटिशियस रूट देख रहे हैं अब modification of this, अब मॉडिफिकेशन ऑफ दिस देखोगे फॉर स्टोरेज फैसिकुलेटेड रूट एंड एज एंड दलिया ठीक ये देख लो ये भी मॉडिफाइड रूट है एस पर आगे और दलिया ये भी स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं ठीक है बच्चों बेटा करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे परफेक्ट ठीक है चलो अब आता स्टेम के बारे में इतना समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट है पूछ लो कोई डाउट है किसी को यस। सक्षम पूछे कि सर लेंटी सेल्स क्या है बेटा लेंटी सेल्स आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं और ये लेंटी सेल्स हमारे न्यूमेटो फोर्स में भी होते हैं जो है एरियल रूट्स ठीक है बच्चे परफेक्ट ग्रेट है बेटा ये फैसिकुलेटेड मतलब बंडल में समझ लो फैसिकुलेटेड मतलब बंडल बंडल में रहते हैं ठीक है ये है यहां पे ठीक है? ठीक है फैसिकुलेट मींस एग्जिस्टिंग इन बंडल्स है एज पर आगे बंडल में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है भाई हाँ. चलो ये हो गया थोड़ा आगे चलते हैं अब देख तो भैया स्टेम स्टेम देख लेते हैं स्टेम क्या है हमें पता है मैंने कहता था स्टेम कहां से निकलता है प्लूम्यूल से प्लूम्यूल से स्टेम निकलता है रेडिकल से रूट निकलता है Plumule से स्टेम निकलता है रेडिकल से रूट निकलता है ठीक है अब ध्यान से देखो स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेरिंग ब्रांचेस लीव फ्लावर एंड फ्रूट स्टेम क्या है भाई ऊपर वाला पार्ट है जहां से ब्रांच लीव फ्लावर और फ्रूट निकलते हैं ठीक है भाई इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल यस ये भाई प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल है ना ऑलवेज हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड इसमें क्या होता है भाई नोड और इंटरनोड होते हैं है ना स्टेम में? देखो बेटा नोड्स क्या होते हैं वो वाले पार्ट जहां से ब्रांच निकल रही है ये नोड होती है ध्यान से समझो जहां से ब्रांच निकल रही है इसको नोड कहते हैं और दो नोड के बीच वाली जगह को इंटरनोड कहते हैं दो नोड के बीच वाली जगह को इंटरनोड कहते हैं और जहां से ब्रांच निकल उसको नोड कहते हैं समझे बात यस yes. परफेक्ट चलो अब आगे देखते हैं ठीक है बेटा स्टेम में क्या क्या होता है स्टेम में ब्रांचेस होती है लीव्स होते हैं फ्लावर फ्रूट नोट नोड़, इंटरनोड और बर्ड होते हैं तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं ठीक है सर बता दो ध्यान से देखो नोड्स क्या होती है बेटा जो मैंने बताया था नोड्स आर द प्लेसेस जहां पे लीव्स बॉर्न होती हैं लीव्स या स्टेम ये मान लो ये मेरा प्लांट है यहां से स्टेम निकल रही है तो ये नोड हो गया ठीक है ये एक और लीव निकली तो इन दोनों के बीच का जो जगह है ये हो गया इंटर नोड पोर्शन बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटर नोड यस क्लियर बर्ड्स टर्मिनल और एक्सिलरी है ना बर्ड टर्मिनल बर्ड मतलब देखो मान लो कोई बर्ड यहां पे हुआ तो ये टर्मिनल बर्ड हो गया

परफेक्ट वेरी गुड तब से पढ़ा रहा हूं मेरे बाल खराब हो गए भाई वन यूज गुड चलो अगला सिस्टम एंड फंक्शन द स्टेम फंक्शन स्टेम का फंक्शन क्या? Yes. क्या है सिस्टम एंड फंक्शन पढ़ रहा हूं मैं बच्चों यस स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट भाई स्टेम का फंक्शन क्या है ब्रांचेस को स्प्रेड करना जिसमें लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट ये करता है भाई वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है जो ग्लूकोज बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है समझे क्या कर रहा है भाई स्टेम का फंक्शन इस पे भाई लीव्स हैं फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं ठीक है भाई लीव फ्लावर फ्रूट्स हैं और स्टेम में पानी को ऊपर नीचे कर रहा है फूड को ऊपर नीचे करता है समझ रहे हो तो ये हेल्प करता है स्टेम क्योंकि गंदी है। वैसे भी गंदी हैंडराइटिंग है सर आपकी <laughs> आगे चलते है भाई इसका फंक्शन क्या होता है भाई स्टोर करता है सपोर्ट करता है प्रोटेक्ट करता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करता है क्या करता है स्टोरेज में तो हेल्प करता ही अभी देखेंगे हम है ना पोटेटो अनियन वगैरह देखेंगे सपोर्ट करता है प्लांट को हाँ भाई खड़े रहने में सपोर्ट करता है प्रोटेक्ट करता है हाँ भाई वेजिटेटिव का मतलब मतलब क्या हुआ मतलब कुछ प्लांट के ना बेटा अगर आप स्टेम काटोगे उससे आप नए प्लांट बना सकते हो मतलब जनरली नए प्लांट कैसे बनते हैं सीड से बनते हैं यहां सीड की जरूरत नहीं है आप बस स्टेम को काटो और उसको उगाओ नया प्लांट बन जाएगा ठीक है ये होता है वेजिटेटिव यू कैन से इट इज लाइक एज सेक्शुअल डिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ठीक है थोड़ा पानी भी लेते हैं भाई ग्रास बाल को और बताओ क्या चल रहा है आशिया कह रही है सर रोज प्लांट में ऐसा होता है वेरी गुड आशा यस यस <laughs> हम्म शिवाश कह रहे हैं सर टेंथ में पढ़ा था वेजिटेटरी प्रोकेशन सही बात है बेटा शिवान आ गया तो बेटा देखो जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप है एक है सब एरियल सब एरियल मतलब जो ग्राउंड है उससे थोड़ा ऊपर ठीक है मतलब ये जो स्टेम है ये ग्राउंड के ऊपर आ गया है एक ये मॉडिफिकेशन होती है दूसरी है अंडरग्राउंड स्टेम भाई बहुत सारे स्टेम है जो अंडरग्राउंड रहते हैं ये भी दूसरी कैटेगरी

चलो अब देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटेटो ठीक है पोटेटो सुन हैं फ्रेंच फ्राइज याद आते हैं जिंजर टर्मरिक जमीन कंध कलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम ठीक है बच्चे के सर ये कोलोकासिया क्या है चुकुंदर क्या कहते हैं बेटा इसको कोलाकासिया को हिंदी में क्या कहते हैं कोलाकासिया बेटा बड़ा सा होता है कोलाकासिया को हिंदी में क्या कहते हैं तो उसको टाइड ओवर करने के लिए भी हेल्प करता है मतलब मान लो पानी वानी नहीं है खाना पीना नहीं है तो प्लांट मर जाएगा तो ऐसी ओवरकम करने में यह स्टेम हेल्प करता है स्टेम टेंड्रिल्स फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स स्लेंडर एंड स्पाइर टू हेल्प प्लांट क्लाइंब सच एस इन गोड्स कुछ मतलब कुछ प्लांट है जो बर्ड होते हैं वो ऐसा कॉइलिंग सा कुछ बनाते हैं जो कि कुकुंबर पंपकेन और वॉटरमेलन को हेल्प करते हैं टू क्लाइंब समझ रहे हो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं ठीक है भाई ठीक है जिस बेटा प्रिया समझ आया टेंड्रिल क्या है स्टेम में भाई यहां पे ऐसे मॉडिफिकेशन आई और ये हेल्प करती है ग्रो करने में एक्सिलरी बर्ड्स ऑन स्टेम ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉन क्या हो सकता है एक्सिलरी बर्ड भाई कांटे भी बन सकते हैं एक्सिलरी बर्ड क्या बन सकते हैं कांटे भी बन सकते हैं और फिर तुम लोग कहोगे ओ

सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैट ऑफ और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यू फोरबिया स्ट्रक्चर कुछ प्लांट है जो है ना बच्चे जो कि गरी गर्म, 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 गर्मी वाले एरिया में गरीब एरिया बोल रहा था गर्मी वाले एरिया में रहते हैं है ना बेटा वो फ्लैट हो जाते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं है, है ना बेटा फ्लैशी होना मतलब वो यू फोरबिया हो जाते हैं है ना और वो अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं यह क्या हो गया स्टेम मॉडिफाई हो गया है ना बच्चे फ्लैट हो गया फिर तो फ्रंट सिलेंड्रिकल हो गया फ्लैशी हो गया ताकि वाटर स्टोर कर सके दे कंटेन क्लोरोफिल आल्सो एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस भी क्लोरोफिल भी होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू नीशेस व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्मड मतलब समझ रहे हो

ये एक बेटा ये कैक्टस की तरह होता है एक प्लांट है ना बेटा अर्पिता कैक्टस वाला प्लांट बोल सकते है उसको है ना अभी दिखाऊंगा उसकी फोटो भी मेरे ख्याल से सेशन में ना इन बनाना पाइन एपल एंडम द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजोंटली बेन द सॉइल एंड देन कम आउट ऑफ ओब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइट टू लीफी शूट ये कहना क्या चाहता है भाई ध्यान से देखो ये कह रहा है कि भाई ये बनाना पाइनएपल और क्रिस्थेम में क्या होता है इनकी जो ब्रांचेस होती है ना ये रूट के नीचे से मतलब ग्राउंड के नीचे से बनना शुरू होती है द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन समझ लो यहां से अंडरग्राउंड पोर्शन से निकल के आए है ना ग्रो हॉरिजोंटली बेनेट पहले नीचे को ग्रो करते हैं हॉरिजोटली बेनेथ द ऑइल एंड कम आउट ऐसे ओब्लीटली बाहर आते हैं गिविंग राइज टू लीफी शूट समझे क्या हुआ यस yes, ये भाई पहले नीचे की तरफ ऐसे हुए ग्रो करें और एकदम से ऊपर की तरफ आते हैं ठीक है अब मान लो ये वाला मर भी जाए तो ये अपना एक नया प्लांट अपने आप में बन जाएगा समझ इन प्लांट लाइक मिंट लेटरल बर्ड अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस फ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर समाइम आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड मिंट जैसमिन में क्या हुआ बेटा सेम ऐसा ही हुआ ये देखो ये तो ऊपर की तरफ बहुत ही लंबा ऊपर होता है बनाना का प्लांट तो बहुत ही ऊपर जाता है बट इनमें क्या हुआ यहां पे भी रूट के नीचे से ग्रो हुआ ये ऊपर आया बट ये फिर नीचे आ गया ऊपर आया फिर नीचे आ गया ऐसे होता जाता है समझ रहे हो आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर समाइम देन आर्च डाउनवर्ड ठीक है बेटा वो वापस नीचे आ जाता है टच कर देता है ग्राउंड को ठीक है इससे ऐसे चेन सी बन जाती है द लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोट एंड ईच नोट बेरिंग रोसेट ऑफ लीव एंड टफ्ट ऑफ रूट इज फाउंड इन अक्वाटिक लाइक पिस्टिया एंड ये क्या मतलब है, है बेटा देखो लेटरल ब्रांच मतलब ऐसे ही सेम ऐसी ब्रांच है ना बेटा शॉर्ट इंटरनोट ये इंटरनोट शॉर्ट है इज फाउंड विथ रूट है ना एंड लीव्स इसकी खुद की लीव्स है और खुद की रूट मतलब ये है एक ही प्लांट का एक ही स्टेम का पार्ट बट अपना अपना इन्होंने अपना अपना वो होता है ना अपना अपना ध्यान रख लो भाई तो वैसे हिसाब है इनका एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं ठीक है देखो देखो जिंजर हो गया जमीन कर, ये तो हमने देख लिया है ना हमने देखा भाई बर्ड मॉडिफाइंग टू क्लाइंबिंग में हेल्प करे फिर हमने बॉग इन विला में देखा ये देखो थॉन दिख रहा है ये थॉन की तरह एक्ट करता है है ना बेटे रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द नोट नीचे की तरफ से निकल रहा है है ना बेटा अब देखते हैं मेन यहां पे देखो उंड मॉडिफिकेशन देखो बेटा मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देशन टू टाइड ओवर कंडीशन ऑफ कंडीशन को ठीक है राइजोम बेसिकली देखो बेटा होता है जिंजर एंड टर्मेरिक इधर देखो ये हमने देखा भाई यू नो अमोर फैलसा पोटेटो है ना बेटा यस कोलोकेशिया ऐसा दिखता भाई, कोलो है भाई कोलोकेशिया बहुत बड़ा सा होता है सांड जैसा है इसको कॉम कहते हैं क्या कहते हैं कॉम उप्सी ठीक है फिर हमने देखा था बल्ब है ना एग्जांपल यस एलियम सेपा एलियम सटाइवम है ना बेटा अनियन बेसिकली फिर रनर साइनोडोन डैक्टिलोन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी रनर बेटा देखो याद है आपको मैंने कहा था ये ऐसे ओके फिर एक से अलग से आते हैं यूसी दिस द सेम प्लांट यहां से इसका एक पार्ट निकला यहां पे एक और बन गया ये अब थोड़ा आगे जाएगा फिर ये और बन जाएगा फिर और जाएगा आगे बन जाएगा तो ऐसे ये फैलते जाते हैं रनिंग समझ लो कि एक ही ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ मर भी जाए तो ये बाकी अपना अपने आप का काम देख लेंगे मिंट ये देखो स्टोलन अब देखो बेटा ये देखो थोड़ा सा ऊपर आया मान लो ये ग्राउंड है थोड़ा सा ऊपर आया फिर नीचे आ गया फिर थोड़ा सा ऊपर गया इसका एक और प्लांट नीचे आ जाएगा थोड़ा ऊपर गया नीचे आ जाएगा ठीक है ये स्टोलन कहते हैं इसको ये मिंट और जैस्मिन में होता है मैं ज्यादा दिखाऊंगा कहा गया है देखो है ना तो ये है ये है वो अब आगे देखो अब ये क्या है भाई हाँ ये है भाई सकरन एपल एंड बनाना ये देखो ये जब ऊपर से निकलेंगे ना बट ये बहुत ही लंबा होता है ये जो बेसिकली बनाना प्लांट होता है ये सब क्या होता है ये बहुत ही ओब्लीकली ज्यादा ऊपर जाते हैं समझ रहे हो इनके रूट से निकला बट ये ऊपर जाएगा है ना इसमें और इसमें क्या फर्क है देखो इसका एक ब्रांच आ जाता है मतलब एक ब्रांच झुक जाता है इसमें अलग से ही एक निकल के ऊपर की तरफ गया ठीक है ये फर्क मतलब इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं बट फिर भी ऑफसेट ये पिस्टिया और इखाई हॉर्निया ठीक है एखॉर्निया अब ध्यान देखो ऑफसेट क्या होता है बेटा देखो सेम ये प्लांट है ठीक है इसका छोटा सा

फिर कैलाडोड एस एंड रस्कस कैलाडोड क्या होता है बेटा ध्यान से देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कैलाडोस क्या होता है इसमें लीव्स नहीं बनती जो स्टेम होता है ना वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू लीफ। लीफ पत्ती दुबली होती है इनके केस में क्या होता है जो स्टेम है वो खुद ही लीफ बन जाता है तो इनकी लीव्स बहुत मोटी मोटी होती हैं समझ रहे हो जो स्टेम है वो ही मोटा हो जाता है मोटा तगड़ा सा लीफ मतलब मोटी भैंस जैसी लीफ मान लो ठीक है उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो ग्रीन कलर का दिखने लगता है तो ये है ये ये स्टेम्स हैं के स्टेम ही है, समझ रहे हो आपको लीफ लग रहा होगा बट लीफ नहीं ये ही है ओके विच विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस परफेक्ट वेरी गुड ये पी वाई क्यू करा रहा हूं भाई आसिया बेटा करा रहा हूं यही आ गया यस yes. करेक्ट क्विज चलो स्वीट पोटेटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम एडवेंटेजेस टैप रूट और राइजोम बताओ स्वीट पोटेटो क्या है यस, एग्जैक्टली आंसर इज एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटेटो न्यूमैटो फोर्स ऑकर इन हेलोफाइट्स फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कार्निवरस प्लांट सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स न्यूमैटो फोर्स कहां पे होंगे बताओ

Phylloids, scales, calladotes, stem modified into flat green organs performing the function of leaves are known as. ये मैंने बताया था अभी। अरे यार तू कैसे होगा भाई? Yes two ही है। Yes guys. ओके okay, कैलाडोड्स भी सेम ही है बेटा ठीक है है ना देखो कैल मतलब आई गेस थोड़ा सा इसमें देखो फाइलोकेट देखो ऑप्चूनिया में भी क्या होता है वो स्टेम मॉडिफाई होके ग्रीन होके वो भी फोटोसिंथेसिस करता है ठीक है कैलाडोड्स में भी सेम ही चीज है तो आई गेस ऑप्शन टू और फोर दोनों हो सकता है ठीक है <laughs> मैं भी थोड़ा फिक्सेटेड था मैं भी एक्चुअली फोर पे फिक्सेटेड था मैंने कहा फाइलोकेट मतलब बट फाइलोकेट इज ऑल्सो यू नो लाइक इफ यू सी इट इज फ्लैट एंड ग्रीन ओनली तो इट इज ऑल्सो डूइंग द सेम फंक्शन ठीक है तो आंसर हैव बीन टू एंड फोर बट तो नीट ट्वेंटी एटीन का भाई ठीक है अच्छे स बट वहां पर भी तो ये कर रहा है कैलाडोड एनी वेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन थॉर्न ऑफ सिट्रेस टेंटल्स ऑफ कोकुम्बर फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्चूनिया ऑपुनशिया ऑप्चूनिया ऑप्चूनिया कहते पिक्चर ऑफ निपेंथिस यस एग्जैक्टली गाइज पिक्चर ऑफ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन ये सब तो स्टेम मॉडिफिकेशन है परफेक्ट वेरी गुड क्लैप्स फॉर यू वेल डन बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने ठीक है बच्चे वेरी गुड ग्रेट जॉब यस एंड बेटा ये हमारे वेदांतों के रिजल्ट हैं वेदांतों के जेई के रिजल्ट समझ लो ये वेदांतों के जेई के रिजल्ट दो हजार 688 2688 बच्चों ने वेदांतू में फोड़ा है नीट को सॉरी जेईई एग्जाम को और नीट में बेटा भी फोड़ने वाले ठीक है ये सब हमारे टॉपर बच्चे हैं एंड बेटा यू कैन बी वन ऑफ द टॉपर्स 480 स्टूडेंट्स अब अचीव अबाउट 99 परसेंटाइल 1331 अबाउट 97 एंड 2164 अबाउट 90 परसेंटाइल ठीक है एंड यू कुड बी वन ऑफ देम यस परफेक्ट स्कोर 25 in physics, 4 in and 4 बेटा परफेक्ट मतलब 100 पर लाए बच्चे बच्चों ने बेटा लगा कि तोड़ फोड़ मचा रखी है ये बेटा वेदांतों के रिजल्ट हैं, समझ जाओ एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस ओके? तो यस। अगर आपने वेदांतों की क्लासेस को ज्वाइन नहीं करा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा ये वीडियो चल रही है ना इस वीडियो के अगर आप नीचे आओगे तो यू कैन सी एक क्विज है ये भी आप खेल सकते हो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी यहां पे नीट प्रोलाइट टू ईयर के कोर्सेज है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस है ना बच्चे एंड इफ यू सी टू ईयर का काउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी साल का है मैं एक साल का नहीं बता रहा इसमें आपको वेदांत का स्टडी मेटेरियल मिलेगा हैंड रिटन नोट ऑफ द टीचर हर पंद्रह दिन में टेस्ट क्लास के बाद असाइनमेंट ठीक yes, है एंड डाउट सॉल्विंग हंड्रेड परसेंट डाउट सॉल्विंग ठीक है बच्चे ए आई लाइव क्लास है इसको हम ए आई लाइव क्लास कहते हैं क्योंकि इसमें जो पोल्स होंगे क्वेश्चन होंगे वो सब लाइव होते हैं बट ये जो प्रो लाइट और प्रो क्लासिक है यहां पर लाइव पढ़ाएंगे टीचर्स टीचर्स आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाएंगे ये रिकॉर्डेड क्लासेज होती है ठीक है फैसिलिटी सबसे सेम होती है क्योंकि देखो कुछ बच्चों को लगता है कि रिकॉर्डेड में उनका काम चल जाएगा क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है उनको लगता है कि सर मैं नहीं पे कर पाऊंगा तो यू फॉर गो फॉर दैट बट अगर आपको लगता है कि सर आपको लाइव पढ़ना है तो यू शुड गो फॉर टू दिसा सिक्स से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर लाइव बैचेस नहीं कर सकते तो गो फॉर दिस वन कूल यू कैन यूज द कोड राज प्रो है बेटा उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा ऑलरेडी लगा हुआ है यू कैन यूज दैट ग्रेट तो बच्चों इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे जल्दी से डोंट वरी ठीक है इस चैप्टर को हम जल्दी से खत्म करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड ओके कीप स्माइलिंग एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव हैव अ ग्रेट डे आई द नेक्स्ट क्लास है ना बच्चों टेक केयर एंड बाय है